इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। जय हिंद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। सरकारी स्कूल में हमने मनाया इंडिपेंडेंस डे, उसके बाद हम लोग आ चुके हैं पंचायत भवन और यहाँ पे कितना सुंदर रंगोली बन रहा है और सारी तैयारियाँ हो रही हैं इंडिपेंडेंस डे की। सो यहाँ पे सारे स्पेशल गेस्ट लोग आ चुके हैं फ्लैग होइस्टिंग के लिए और यहाँ पे जो लास्ट तैयारी है वो यहाँ पे हो रही है। सो फाइनल तैयारी होने के बाद हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे, हमारा स्वतंत्रता दिवस। और यहाँ पे फ्लैग भी लग चुका है पोल में। नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। और ये देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन है, ये हमारी मुखिया जी ने किया है, हमारी मुखिया आंटी लगती हैं और बहुत ही प्यारा डेकोरेशन है। और यहाँ पे है हमारे टीपू अंकल, ये यहाँ पे फ्लैग बांट रहे हैं सबको, हमारा तिरंगा झंडा। अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ लेकिन हम लोग जब एक रहेंगे तो कोई ताकत दुनिया का नहीं है। अभी हम लोग ऐसे भी पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम मोदी जी एक नंबर में रखे हुए हैं, ये हम लोग का गर्व की बात है। गर्व को हम लोग को बरकरार रखना है। हमारा पंचायत और सब पंचायत में देखते हैं यहाँ के लोग ज्यादा जागरूक है, देखते हैं कितना भी और जगह हम देख रहे थे फोटो इतना भीड़ नहीं रहता है, वो कम ही जगह में रहते हैं। ये हम लोग आप लोग सबको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतना उत्साह के रूप में सवाल के सम्मिलित होते हैं। हमारे मुखिया जी भी हैं जो एक्टिव हैं, देख रहे हैं सुबह ये पूरा रंगोली वगैरह बना रही थी। इससे क्या होता है, ये लगन पता लगता है कि कितना जागरूक है, कितना लगन है। ऐसे ऐसा झंडा फहरा सकता था लेकिन अपने से हम देख रहे बना रही थी, तो ये सब मैंने बहुत हम लोग का पंचायत के लिए शुभ का लक्षण है और हम कोशिश करेंगे और अति करेंगे कि हम लोग पंचायत दिन दुना रात चौगुना अच्छा तरक्की करें और विकास के काम जितना से ज्यादा हो सके। अभी हम खूब अच्छा से पंचायत चल रहा है। धन्यवाद मैडम भैया। अब आप लोग के सबक पूर्व प्रधान अध्यापक गांधीनगर मिडिल स्कूल बड़े भाई हरिश्चंद्र झा जी। आदरणीय
मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी, उप मुखिया, सभी वार्ड के वार्ड सदस्य, पंचायत सेवक एवं यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिक, आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। और हमारे पूरे देश में आज जोश खरोश के साथ आज 78वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद घोषित हुआ था। 15 अगस्त बहुत ही शुभ दिन है। 15 अगस्त को ही हम स्वतंत्रता हमको क्यों मिली, 15 अगस्त को ही हम आज़ाद क्यों हुए, इसके पहले भी हम हो सकते थे। एक तिथि आया था 22 जुलाई, लेकिन जो अंग्रेज का शासन था, अंग्रेज का जो अंतिम वायसराय था लॉर्ड बेंटन, उन्होंने उसके लिए बहुत शुभ दिन था 15 अगस्त, इसलिए उन्होंने 15 अगस्त को ही सत्ता सौंपने का सोचा और यह शुभ दिन हम लोगों को मिला। 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, 26 जनवरी भी हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और 2 अक्टूबर भी हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, लेकिन मुख्य रूप से 15 अगस्त आज़ादी के दिन और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हम लोग ये कार्यक्रम जो अभी कर रहे हैं ये करते हैं। 15 अगस्त के दिन हम लोग झंडा को फहराते हैं और झंडे को नीचे बांधा जाता है और रस्सी खींच करके ऊपर ले जाया जाता है, इसके बाद खींच करके उसको फहराते हैं। ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन, और 26 जनवरी को खींच करके ऊपर नहीं ले जाना है, झंडा को ऊपर ही बांध दिया जाता है और सिर्फ खींच करके फहरा दिया जाता है, इसलिए कि ये जो नीचे से खींचा जाता है मतलब बहुत परिश्रम, बहुत बल, बहुत त्याग, बहुत बलिदान के बाद हमको आज़ादी मिली है और उसको बरकरार रखना है, इसलिए हम लोग उसको खींच करके ऊपर झंडा फहराते हैं ये स्वतंत्रता दिवस के। और गणतंत्र दिवस के दिन चूँकि हमारा देश ऑलरेडी आज़ाद है, हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारा नियम कानून बना था, इसलिए उस दिन हम लोग झंडा को नीचे से फहराते नहीं, वहीं पर बांध के रखा जाता है और उसको खोल दिया जाता है। भारत के प्राची में लाल किला पर आज के दिन उसी दिन से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और राजपत्री भवन के पास जो है वहाँ गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। आज के दिन हम लोग सब जुट करके और इस झंडे को सलामी देते हैं, झंडा फहराते हैं और अपना कर्तव्य और अधिकार के प्रति जितना अधिकार का हम इच्छा करते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हमको ये मिले, हमको वो मिले, हमको ये मिले। अभी एक योजना आया मुख्यमंत्री सम्मान मैया योजना, अब देखेंगे हर जगह भीड़ है, लोग भरता है कि हमको 1000 रुपया महीना मिले महिलाओं को, ये हुआ उसका अधिकार, क्योंकि योजना आई और अब अधिकार है उसको लेने का, लेकिन उसके पीछे हमारा कर्तव्य है, उसके पीछे हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपने ढंग से जो जहाँ है, जिस विभाग में है, जो काम को कर रहे हैं, अगर अपने कर्तव्य को आप ठीक से समझिए तो आपका देश और तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा और ऊँचे स्तर पर जाएगा। अभी तो नया समय आ गया। सम्मानजनक शिक्षक प्रधानाचार्य, जैसा कि सर बताए इसके अच्छा कोई शिक्षा हम लोग शायद बोल ही ना पाए ना दे पाए, जो एक टीचर दे सकते हैं तो हम लोग वो ज्ञान शायद दे ही नहीं पाए। इसके आगे हम क्या ही बोले, सारा व्याख्या तो सर कर ही दिए हैं और हम अपने पद को ध्यान में रखते हुए इस पंचायत को विकास की ओर ले जाने के भरपूर प्रयास करने में अपना
धन्यवाद। की ओर से सूचना है कि यहाँ अभी आम सभा होगी और आप लोग मिठाई जलपान करके ही जाएंगे। अभी आम सभा होगी इसलिए आप लोग उपस्थित रहेंगे आम सभा के बाद।